से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। देश में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा करते हैं और आरती कर नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग उपवास रख माँ दुर्गा और रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि नवरात्र आखिर मनाया क्यों जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए इसके पीछे की कहानी को विस्तार से हम जानते हैं। इससे जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। वो अमर होना चाहता था और उसके इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को महिषासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि इस संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए जीवन मृत्यु को छोड़कर तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और न ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। इसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने फिर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। फिर सबके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब देवी दुर्गा भी मान गई, पर इस शर्त पर कि महिषासुर को उसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर ने यह शर्त स्वीकार कर फिर इस लड़ाई का क्रम पूरे 9 दिन तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और इन 9 दिनों में लगातार युद्ध के दौरान सभी देवी देवता और भगवान शिव और विष्णु ने मिलकर इन 9 दिनों तक देवी दुर्गा को शक्ति प्रदान करने के लिए लगातार दुर्गा माता की पूजा अर्चना व आराधना की और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।